ये जो वीडियो आप देख रहे थे, इतना वंडरफुल वीडियो स्क्यूबा डाइविंग का, ब्रेथ टेकिंग वीडियो, ये हमारा सेक्रेटरी स्टूडेंट जोशा का है. जोशा इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल सेक्रेटरियंस. वो एलवाई यूनिवर्सिटी में एमएस प्रोग्राम कर रहा है, अभी सेकेंड एमएस प्रोग्राम कर रहा है. पहला एमएस उसने बायो साइंसेस उसने आईआईटी मद्रास से कंप्लीट किया. अभी टेलाविव यूनिवर्सिटी टाटा ट्रस्ट से कंप्लीट स्कॉलरशिप पे एमएस प्रोग्राम कर रहा है. उसके क्लास में वन ऑफ द क्लासमेट्स जो उसके है वो यूरोपियन यूनियन की टॉप डिप्लोमेट मिसेस तिंजियाना, 42 ईयर ओल्ड इटालियन डिप्लोमेट है. कुछ महीने पहले जोशुआ का डिनर के लिए इन्वाइट था. डिनर माइकल ओवन जो इसराइल के चीफ एम्बेसडर थे बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके साथ डिनर करने का अवसर मिला. उसके बाद में कुछ हफ्ते के बाद में इसराइल के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर से मिलने का अवसर मिला. ये सब चीज़ें ए सेक्रेटरी एट द एज ऑफ 24 इज एबल टू डू ऑन हिज ओन स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज अचीवमेंट्स. ये आज इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जोशुआ वॉज नॉट नेसेसरीली द मोस्ट ब्राइटेस्ट और द मोस्ट टैलेंटेड और द बिगेस्ट आईक्यू लेवल स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल. ही वॉज लाइक एनी गुड अबव एवरेज चाइल्ड, बट शेयर डिसिप्लिन, शेयर पैशन, कुछ बनने का जुनून और भूख, और ये दुनिया की जो कूल चीज़ें है, मोबाइल्स होना चाहिए, बाइक्स होना चाहिए, फेसबुक से होना चाहिए, ये सब से उसने हमेशा अपने आप को दूर रखा. मुझे याद है कि जब ये वो 11 12 में कॉलेज में जाता था तो साइकिल में जाता था, जबकि उनके दोस्त इमीडिएटली एक्टिवास, बाइक्स और कुछ लोग कार भी ले लिए थे, कार पे आते थे कॉलेज में 11 12 में. जब लोग सैमसंग और एप्पल फोन्स लेते थे वो 1800 का मोबाइल लेके, और 12th स्टैंडर्ड में प्रिपरेशन करते करते 9 महीने में उसने 16 किलो वजन कम किया. उसको एक दिन पूछा गया था, ये साइकिल पे जाते हो उस कॉलेज में, सब तो लोग छेड़ते नहीं होंगे कि वे साइकिल में आते हैं इस कॉलेज में. सच अ स्टनिंग रिप्लाई ही गेव, पीपल डोंट रियलाइज दैट इट इज मोर कूल टू बी अनकूल. और मैं यहाँ मेरे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आ रहा हूँ. एंड विच ही शेयर हार्ड वर्क ही वेंट थ्रू इट इन ही हैज स्टडीड ऑलमोस्ट फ्री फॉर लास्ट 7 ईयर्स. IIT मद्रास में उसका फीस 85,000 था इंक्लूड पर ईयर, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड एकेडमिक फीस है ना, उसमें भी हर 5 साल उसको 60,000 स्कॉलरशिप मिलता था. तो 25,000 रुपया प्रति ये साल से उसने वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई किया. 5 साल का कोर्स मतलब 1,25,000 रुपया. अब इसराइल में टेलवाई में पढ़ रहा है तो उनका हॉस्टल और कंप्लीटली वो इज पेड बाई टाटा ट्रस्ट बिकॉज ऑफ मेरिट. और वो उससे जो पैसा बचाता है, लास्ट ईयर उसने लगभग 3,00,000 रुपया कंट्रीब्यूट करके 12 टन रवा और पोहा दिया कोल्हापुर विक्टिम, कोल्हापुर फ्लड अफेक्टेड वालों के लिए. जो स्कॉलरशिप बचता है उसमें कभी कैंसर के ट्रीटमेंट बच्चों के लिए बेचता है, लोगों के लिए बेचता है, किसी बच्चे को पैड चाहिए पढ़ने के लिए चाहिए, उन गरीब बच्चों के पढ़ाने में उन वो कंट्रीब्यूट करता है. ये मोटिवेशन हर सेक्रेटरी के लिए होना चाहिए कि पढ़ाई इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आज के जो जगमगे उससे दूर रहोगे तो आगे बहुत ब्रिलियंट लाइफ आएगा. मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स से खास करके, जो जब भी बच्चों को पढ़ने का के लिए हम टीचर्स बोलते हैं, हम पीछे पढ़ते हैं तो बोलते हैं हमने बहुत कमा लिया है, बच्चों के इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए. अपने बच्चों को अपंग मत बनाइए, बच्चों को ये बोलिए जितना पढ़ाई के लिए जो चाहिए सब देंगे. ए ब्यूटिफुल मैसेज वॉज सेंट रिसेंटली बाई अवर पेरेंट मिस्टर कुमार विच रेड, हम इस चीजों के पीछे नहीं जाए कि हम बच्चों को वो सब दिलाए जो हमको नहीं मिला, इसके बदले में हम इससे इसमें लगे कि हम उनको सब वो सिखाए जो हम नहीं सीख सके. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू.